hello everyone this is afrin from aspire academy and this is our fourth lecture on the topic life process the human digestive system this topic we will see in this is topic ko ham log abhi detail me dekhenge ye class 10th ka topic hai and uh, in third lecture already humne dekha that uh, how uh, how the food passes from the mouth to buccal cavity then esophagus and finally

ठीक है सो ईसो क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है मींस फूड को पुश किया जाता है बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड फाइनली उसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड स्टमक की तरफ आता है ठीक है सो एज यू कैन सी डायग्राम में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक व्हिच इज अ मस्कुलर ऑर्गेन क्या है ये मसल्स का बना है ठीक है सो हमारे जो स्टमक्स होते हैं वो मसल्स के बने हैं एंड डायरेक्टली ईसोफेगस से फूड कहा जाता है स्टमक में ठीक है सो ईसोफेगस का जो ट्यूब है ठीक है एज वी मेक लाइक दिस फ्रॉम माउथ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे ओपन होता है हमारे स्टमक पार्ट पे तो ये यू कैन सी ईसोफेगस ओपन इन टू बोल सकते हो कि ईसोफेगस कहां ओपन होता है स्टमक में एज यू कैन सी दिस इन दिस डाइग्राम ऑल्सो द कनेक्टिविटी दिखाया जा रहा है यहाँ पे कैसे ईसोफेगस से फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में एंटर करेंगे सो वॉट इज दिस एज यू कैन सी आपके जो स्टमक है थोड़ा रफली जे शेप का है ठीक है इस तरह से जे हम लोग बनाते हैं ठीक है एज यू नो इस तरह से जे बनाते हो ना सो इन द सेम एक रफ डायग्राम जो है वो आप बोल सकते हो कि जे शेप हमारे स्टमक का है ठीक है एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक बिल्कुल ऐसा जे के जैसा नहीं दिखता है बट आप मान सकते हो सिमिलर है उससे ठीक so है सो वॉट इज द स्टमक इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज मस्कुलर मसल्स का बना है ठीक है बैग लाइक यस उसके बाद क्या ये bag है ये बैग के जैसा है लाइक अ बैग में जैसे बुक्स रखते हो पेन पेंसिल इरेजर एवरी थिंग लंच बॉक्स रखते हो बट हियर आपका सिर्फ फूड जाता है ये भी बैग है पर इसमें सिर्फ फूड को एंट्री मिलता है ठीक है सो जे शेप मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर ज प्लेस्ड बिलो द डाइफ्राम जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो सो इन दैट आप देखते होंगे ना कि लंग्स होता है सो so लंग्स जिस चीज के ऊपर स्टेबल होके स्टैंड करता है दैट इज अ डाइफ्राम ठीक है सो यू कैन से लाइक दिस आप बनाते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है लंग्स इज देयर तो यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है ठीक है Uh, जिसकी uh, जो एक सपोर्ट देता है हमारे लंग्स को दैट ओनली on, वही डाइफ्राम यहां पे देखना सो योर स्टमक इज प्लेस्ड बिलो द डाइफ्राम मतलब इस डाइफ्राम के नीचे आता है आपका स्टमक ठीक है डायफ्राम के ऊपर नहीं नीचे आएगा आपका स्टमक एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एबडमेन ठीक है हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होगा दैट मीन्स दिस साइड ठीक है फूड पाइप इसके पीछे फूड पाइप इज देयर एंड विंड पाइप तो ये कनेक्शन यहाँ पे फूड पाइप का होता फिर wind pipe है फिर विंड पाइप होते हैं सो डायरेक्टली स्टमक यहाँ पे ओपन होता है सो इट इज बिलो द एब्डोमेन ठीक है एब्डोमेन में बिलो है डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड में है ठीक है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन ठीक है सो प्लीज ध्यान रखोगे कहाँ है आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में है और इट इज बिलो डायफ्राम डायफ्राम के नीचे है ठीक है सो इट रिसीव एंड मिक्सिस द फूड ये स्टमक में क्या आता है फूड आता है फ्रॉम वेयर माउथ आपके माउथ से इसोफेगस के हेल्प से यहाँ पे फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं सो हियर व्हाट डज एंटर फूड आपका फूड आता है यहाँ पे और बहुत सारे एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट करता है स्टमक के अंदर लाइनिंग जो है वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं एंड फाइनली डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है सो इट रिसीव्स एंड द फूड स्टमक क्या करता है रिसीव भी करता है फूड को साथ में मिक्सिंग अप ऑफ द फूड करता विद डाइजेस्टिव जूस आपके स्टमक में जो जो डाइजेस्टिव जूस है खाना को उसके साथ मिक्सअप करता है एंड प्रोपल्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब फूड uh, को अब उसके बाद क्या करेगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजेगा ठीक है तो यहाँ पे जो स्टमक में क्या क्या होता है मिक्सिंग ऑफ द फूड होता है विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देन फाइनली द फूड इज पुश डाउन टू इंटेस्टाइन ठीक है अब इट कंटेन रिंग लाइक मसल्स कॉल्ड आपके जो स्टमक है वहाँ पे एक रिंग लाइक सब्सटेंस होता है और स्ट्रक्चर बोलोगे नॉट सब्सटेंस ठीक है तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज देयर एंड दैट इज नोन एज स्पाइरो पायलोरिक स्ट्रक्चर और पायलोरिक स्पिंचर और ये स्पिंचर्स क्या करता है कंट्रोल करता है फूड के रिलीज को आगे इंटेस्टाइन में ताकि वापस आपके इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन uh, में जाने के बाद वापस फूड स्टमक में ना चला जाए सो देर इज अं स्पिंक्चर विच कंट्रोल्स एंड दैट इज पाइलोरसर ठीक है और ये ध्यान रखता है कि आपका फूड वापस ना आ जाए स्टमक में क्योंकि उन्हें फर्दर आगे जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि आगे के प्रोसेस डिफरेंट पैंक्रेटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स होके आपका फूड आगे अब डिवीजन और ब्रेकडाउन का काम करेगा ठीक है सो दैट पाइलोरिक स्पिचर कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ द फूड इन टू इंटेस्टाइन ठीक है सो वॉट हैपन दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टमक ये आपके स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर है ठीक है एज यू कैन सी ये पूरे के पूरे मसल से बना हुआ है ठीक है मसल्स दैट क्लोज टू दी स्पिंर मसल्स के पास uh, यहां पे स्पिंचर्स है जहां पे कंट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू आपका फूड आगे की तरह इंटरस्टाइन में पुष्ड होता है ओके सो आर द मस्कुलर वॉल स्टमक के वॉल है स्टमक का इनर लाइनिंग पे देर आर वॉल्स ठीक है एज यू कैन सी यहाँ पे देख रहे हो ये इनर वॉल्स है आपके स्टमक के स्टमक के एंड दिस इज अ डाइफ्राम ठीक है डाइफ्राम के जस्ट बिलो ही होता है आपका स्टमक और ये स्टमक कहां से कनेक्टेड है देखो फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस से कनेक्टेड है सो द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक कंटेन मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड तो यहाँ पे ये सब आप देख रहे हो जो वॉल्स यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस ये सब प्रोड्यूस करता है ठीक है क्या क्या बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है प्लस म्यूकस ऑल्सो इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक ठीक है, सो हियर ऑलसो य मसल्स जहां पे इसोफेगस से फूड स्टमक की तरफ आ रहा है फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है यहां पे भी होता है, uh, so that the, वापस food back ना हो जाए, ठीक है सो लेट्स नेक्स्ट गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन दीन्स आपके स्टमक में कौन कौन से सिक्रेशन है जो प्रोड्यूस होते सो गैस्ट्रिक ग्लैंड नो इट इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टमक आपके स्टमक के इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा गैस्ट्रिक जूसेस बनाएगा ठीक है सो दैट वो आगे फर्दर डाइजेशन में हेल्प करे सो म्यूकस सेल प्रोड्यूस म्यूकस जस्ट आपके स्टमक के इनर लाइनिंग पे यहाँ पे क्या होगा कुछ वॉल्स है ठीक है वहां पे म्यूकस है तो जो म्यूकस सेल होता है वो प्रोड्यूस करेगा म्यूकस अब व्हाट इज़ म्यूकस म्यूकस क्या है टिकी सब्सटेंस व्हिच इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक आपके स्टमक के इनर लाइनिंग पे कुछ टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ताकि आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके स्टमक के वॉल को इफेक्ट ना पहुँचाए या कोई हार्मफुल इफेक्ट ना उन्हें डिस्ट्रॉय ना करे स्टमक के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे इसलिए एक म्यूकस का लाइनिंग होता है सो so दैट आपके इनर वॉल्स जो स्टमक के हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच के रहे ठीक है सो म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस दैट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों होता है म्यूकस क्या काम है म्यूकस का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना किसे हमारे इनर वॉल्स ऑफ स्टमक को ठीक है देन आते हैं पेराइटल सेल्स भी होते हैं ठीक है वॉटर पेराइटल सेल्स हमारे स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं जिनका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनते हैं और कौन बनाता है पेराइटल सेल्स ठीक है सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है और गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है ठीक है गैस्ट्रिक जूस क्या है एसिडिक इन नेचर वाई क्यों एसिडिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला हुआ है हमारे स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस बना रहा है ठीक है और साथ में पेराइटल सेल्स है पेराइटल सेल्स दैट इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर और साथ में म्यूकस भी है सो so, फाइनली क्या होता है हमारा जो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक बन जाता है ठीक है सो गैस्ट्रिक जूस जब एसिडिक बन गया अब उसका भी कोई फंक्शन होगा दैट इज इट किल्स द बैक्टीरिया इन द फूड सो जब आपके डाइजेस्टिव जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है तो दैट बिकम्स एसिडिक वो एसिडिक बन गया बट उसका रोल क्या है अब जो भी आप फूड खाते हो फूड के साथ अगर डटी हैंड से खाया, या अच्छे से मीन्स हैंड वॉश नहीं किया या फूड को बहुत अच्छे से नहीं बनाए हो उसमें कुछ जम्स उस बैक्टीरिया रह गया हो सो सो दैट केस व्हाट हैपन उस बैक्टीरिया को मारने के लिए यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो देर आर अनदर सेल्स चीफ सेल्स जिसका नाम है चीफ सेल्स पहला था म्यूकस सेल्स सेकेंड वन पेराइटल सेल्स एंड नेक्स्ट इज द चीफ सेल्स ठीक है जिसका काम है पेप्सिन सिक्रीट करना ठीक है वॉट इज प्रोटीन पेप्सिन का रोल क्या है पेप्सिन दे डाइजेस्ट प्रोटीन ये प्रोटीन को ब्रेक करता है ठीक है प्रोटीन के ब्रेक डाउन में दैट इज वेरी हेल्पफुल दैट पेप्सिन इज सो As an inactivate pepsinogen, pepsinogen, which is activated when it com in, uh, comes in the contact with hydrochloric acid, means pepsinogen when it comes in contact with hydrochloric acid, it changes to pepsin. Okay? और ये पेप्सिन अब क्या करेगा प्रोटीन को ब्रेक करेगा दैट मीन्स चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करता है पेप्सिन और वो पेप्सिन क्या करता है पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में बट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ इट ऑल्सो सिक्रीट आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पर रेनिन बनता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन दैट मीनस डाइजेशन ऑफ मिल्क में कौन रोल प्ले करता है रेनिन ठीक है, रेनिन क्या करेगा ब्रेक डाउन करेगा मिल्क को ओके सो यू नो देर आर हमारे और भी एसेसरी ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते वैसे ही है पैंक्रियाज पैंक्रियाज खुद एक डाइजेस्टिव ऑर्गन अपना बोलके, बोल के बट एसोसिएटेड बोल सकते हो क्योंकि वो हेल्प करता है ठीक है सो इट इज ऑल्सो एन एसोसिएटेड ग्लैंड जिनका रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करना डाइजेशन में सो so, क्या है ना एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है ठीक है क्योंकि ये अपने को ग्लैंड प्रोड्यूसिंग पैंक्रिएटिक जूस ठीक है सो so, so, ये क्या करता है पैंक्रियाज क्या बनाता है पैंक्रिएटिक जूस बनाता है ओके पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस पैंक्रिएटिक जूस दैट हेल्प इन द

एज यू कैन सी दिस इज दिवर दिस इज आवर लिवर ठीक है एंड दिस इज पैंक्रियाज ये पैंक्रियाज है ये लिवर है एंड दिस इज हियर गोल ब्लैडर ये क्या है गोल ब्लैडर नाउ सबसे पहले क्या है लिवर uh, है क्या लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इट इज दार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेट इज वन टू फाइव वन पॉइंट फाइव के जी नियर अबाउट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ योर एबडोम ठीक है सो अपर राइट साइड क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका स्टमक है स्टमक होता है लेफ्ट साइड में तो राइट right साइड में आपके लिवर होते हैं ठीक है सो द लिवर इज डिवाइडेड लिवर भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट लोब्स नेक्स्ट यू सी कि डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है लिवर का लिवर कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है सो सबसे इंपॉर्टेंट है बाइल जूस ठीक है सो लिवर क्या है इनका काम है बाइल बनाना वॉट इज बाइल बाइल इज अशन विच इज जो कि लिवर बनाता है और वो हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन में सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है तो बाइल जूस क्या करता है फैट्स को ब्रेक करता है ठीक है सो यू कैन से बाइल जूस किसे ब्रेक करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइस्टेरॉल ठीक है सो फैट्स को तोड़ने का काम मींस फैट्स का डाइजेशन का काम बाइल करता है ठीक है सो लिवर रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी बाई रिटेनिंग द एक्सेस ग्लूकोज मीन्स हमारे अगर हम लोग फूड जो खाते हैं वहां पे जो ग्लूकोज बनता है अगर आपके बॉडी में जितने रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा ग्लूकोज बना सो so फाइनली क्या होता है वो ग्लूकोज लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ठीक है सो ग्लूकोज क्या बन के स्टोर होता है सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोजेन एंड स्टोर्ड इन योर लिवर ठीक है एंड

नाउ दिस एज यू कैन सी हियर इज द लिवर स्टमक ऑल आर इंटरलिंक मतलब सब एक दूसरे के बहुत क्लोज है हीयर इज पैंक्रियाज एंड दिस स्टमक विल ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये स्टमक क्या होगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगा दैट मीन्स इट विल भी कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन ओके सो देयर आर दीज आर एसेसरी ये लिवर और ये पैंक्रियाज एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है ठीक है ये डाइजेशन में हेल्प करता है बट एग्जैक्टली exactly अगर आप देखो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस तो वहां पे आपका लिवर और पैंक्रियाज नहीं है बट हेल्प करता है सो लेट्स सी वॉट इज स्मॉल इंटेस्टाइन अब फाइनली डाइजेशन का जो स्टमक में काम होना था वो ऑलरेडी हो गया ठीक है अब फाइनली फूड कहां जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे थ्री पार्टस uh, होते हैं ठीक है थीके? सो एज यू सी ये स्टमक से खाना आपका कहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन तो वॉट इज स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन ये भी ट्यूब के जैसा है ठीक है मस्कुलर है इट इज ट्यूब लाइक मस्कुलर बट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ होल एलिमेंट्री कनाल हमारे एलिमेंट्री कनाल का मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सो वॉट हैपन इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट सेवन मीटर इन लेंथ अगर आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को मेजर करोगे तो इट इज अबाउट सेवन मीटर ओके एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट और साथ ही साथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इट इज हाईली क्वल्ड एज यू कैन सी एक दूसरे में बहुत उलझे हुए हैं सो इट इज क्वाल्ड एंड फोल्डेड इन द एबडमिन ठीक है बिलो दिज स्टमक बिलो दिस लिवर ठीक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ट्विस्टेड है कॉइल्ड है एक दूसरे में उलझे हुए हैं ठीक है सो फाइनली so आप डिवाइड कर सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन को थ्री पार्ट्स में दैट इज एंटीरियर मीन्स आगे वाला जो पार्ट है ठीक है जो स्टमक से कनेक्टेड होता है स्टमक से डायरेक्ट जो ओपन हो रहा है सो दैट इज एंटीरियर मीन्स फ्रंट पार्ट दैट इज ड्यूडेनम क्या है वो ड्यूडेनम द फर्स्ट पार्ट उसके बाद मिडिल पार्ट आपका जो इंटेस्टाइन का आता है द मिडिल पार्ट ठीक है तो वो होता है जेजेनम

ठीक है सो अब देखते हैं कि आखिर ये ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का हाउ डज इट लुक और कैसे वर्क करता है सो इट इज द शॉर्टेस्ट मीन्स इन तीनों में ड्यूडेनम जेजेनम इलियम में सबसे छोटा है ठीक है ओके एंड इट इज अ फिक्स पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन ये ज्यादा ऊपर से सिंस ये स्टमक से कनेक्टेड है तो ये फिक्स है बहुत ज्यादा फोल्डिंग आपको यहां पे नहीं दिखेगा ठीक है इट इज शी से सी शेप स्ट्रक्चर ठीक है थोड़ा सी सी uh, वाला आप शेप देख सकते हो ठीक है कॉमन बाइल डक्ट आपका जो बाइल डक्ट है ठीक है ओपन इन टू दी ड्योडेनम तो गॉल ब्लैडर से जो आपको बाइल मिलता है सो so डायरेक्टली पहले तो लिवर क्या करता है अपना जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है तो बाइल डक्ट अब कहाँ ओपन होता है ड्यूडेनम में स्टमक में आपका बाइल नहीं जाता है वो ड्यूडेनम में जाता है एंड पदर आगे डाइजेशन में हेल्प करेगा सो ड्यूडेनम जेजेनम एंड ईलियम टूगेदर मेक स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट जेजेनम मीन्स वॉट इट मीन्स एम्प्टी तो वो जो ट्यूब है जो जेजेनम का पार्ट होता है वो थोड़ा एमटी होता है एंड करीब टू मीटर के लेंथ आप देख सकते हो देन ईलियम दैट इज ट्विस्टेड हाईली ट्विस्टेड बहुत कॉइल्ड होता है फोल्डेड फोल्डिंग्स बहुत ज्यादा होता है वहां पे एंड इट इज अबाउट फोर तो फोर प्लस टू हियर ओनली आप देख सकते हो ये सिक्स मीटर हो गया तो फाइनली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नियर अबाउट सेवन है तो ड्यूडेनम पार्ट जो है नियर अबाउट वन बोल सकते हो वन मीटर के करीब है ठीक है ये फाइनली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का डिविजन्स जो थ्री पार्ट है ड्यूडेनम डेजेनम ईलियम ठीक है और अपने इंटेस्टाइन को अगर बहुत अच्छे से आप देखो बहुत इंटरनल क्रॉस सेक्शन का उसका व्यूज देखोगे तो देर इज विलाई ठीक है इस तरह से आपके अगर इंटेस्टाइन है ये अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन देखोगे तो यहां पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने मिलेगा लाइक दिस ठीक है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर सर्फेस और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है और वो ब्लड वेसल्स से रैप्ड होते हैं दैट इज नोन एज माइक्रो विलाई क्या होता है ये विलाई होता है वॉट इज दैट विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और वो क्या करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि जो फूड डाइजेस्ट होगा तो वो इजीली आपके ब्लड सेल्स तक जाए तो एब्जॉर्बशन में हेल्प करता है सो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विदिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल ये इंटेस्टाइन में है और सिंपली आप सिर्फ विलाई भी बोल सकते हो ठीक है सो दीज आर विलाई जिसका काम है एबजॉर्ब फूड न्यूट्रिय फ्रॉम दूड सो दे ग्रेटली इंक्रीजेज द सर्पेस एरिया क्यू इतने सारे फोल्डिंग्स है ताकि जितना ज्यादा फोल्डिंग्स हो, होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हमारे इंटेस्टाइन को फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर सके ठीक है डाइजेस्टेड फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके और साथ ही साथ मिक्सिंग एक्शन आपके जो स्टमक में इंटेस्टाइन uh, में जो डाइजेशन का काम होता डाइजेशन भी चलता है वहां पर कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ठीक है स्टमक में कभी भी डायजेशन कम्प्लीट नहीं होता हाफ ऑफ द पार्ट इज डन ठीक है स्टमक में हाफ ऑफ द डाइजेशन होता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली कंप्लीट डाइजेशन होता है और साथ ही साथ एब्जॉर्बन भी होता है ठीक है मीन्स डाइजेशन के बाद उस न्यूट्रिय को एब्सॉर्ब करके ब्लड को भेजना यह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ठीक है सो मिक्सिंग एक्शन एब्जॉर्बेशन सो ऑल दिस इज डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है अब देखो फाइनली इसके बाद आपका आता है वॉट इज ड्यूडिनम एंड वॉट आर द सक्रीशंस दैट वी गेट इन ड्यूडनम दैट मीन्स ड्यूडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और उसमें जो इंटेस्टाइनल जो भी जूसेज है कहाँ से आते हैं एंड उनका हाउ डज़ द वर्किंग गोज ऑन सो यू नो ड्यूडेनम रिसीव द सिक्रीशन ठीक है ड्यूडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ठीक है डायरेक्टली देखोगे उसमें पहले तो अपने पैंक्रियाजिक जूस को सीक्रेट करके पोर करता है ठीक है सो पैंक्रियाज से जूस आता है वो में आके मिक्स होता है ओके और लिवर भी जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है दैट ऑल्सो वो भी आके ड्यूडेनम में मिलता है ठीक है तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पे आगे फर्दर डाइजेशन का, का काम होगा और देखो ड्यूडेनम के बाद आता है उसके बाद देखना इलियम। इलियम में क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस बनाते हैं ठीक है सो लेट्स मूव अगेन टू द प्रीवियस स्लाइड एंड सी पहले हमने देखा था ड्यूडेनम जिसमें पैंक्रिएटिक और बाइल जूस आता है अब देखना जेजेनम एज जैसे कि हमें पता है कि ये एम होते हैं मतलब इसमें कोई सिक्रीशंस स्पेशली uh, नहीं आते हैं तो फाइनली क्या होता है इसमें कोई खास आप देखोगे सिक्रीशन नहीं होता ईलियम में होता है दैट वी हैव सीन इंटेस्टाइनल जूस ईलियम में हमने क्या देखा इंटेस्टाइनल जूस बनता है जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से ठीक है सिंपल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है ये स्टमक से आके यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है ठीक है बहुत ज्यादा ही ट्विस्टिंग्स होता है बट यहां पे हम लोग नहीं बना सकते सो मच ट्विस्ट एंड टर्न सो सिंपल वे में वी विल सी कि पहला पार्ट जो आपका होता है वो होता है ड्यूडेनम ओके ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो फूड डायरेक्टली कहाँ से आता है स्टमक से कहां एंटर करता है ड्यूडेनम में ठीक है फूड एंटर थ्रू ड्यूडेनम एंड वहां पे पैंक्रियाज अपना पैंक्रिएटिक जूस देता है बाइल जूस भी लिवर देता है थ्रू बाइल डक्ट सो हियर सारे मिलते हैं कहा ड्यूडेनम में अदर आगे डाइजेशन का प्रोसेस होगा उसके बाद आ जाता है सेकेंड पार्ट दैट इज जेजेनम ठीक है सो so हियर यहाँ पे कोई डाइ सिक्रीशन uh, ऐसे स्पेशली कुछ होता नहीं है फाइनली यही ड्यूडेनम में जो सब्सटेंस रहते हैं ऑल गेट पास थ्रू जिनम ठीक है और फाइनली उसके बाद देखना इलियम. इलियम में में क्या क्या होता है intestinal glands, इलियम में क्या होगा? Intestinal glands, और वो produce करेगा intestinal juice. इसके अंदर जो विलाई होते हैं और वॉल्स ऑफ योर इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन का वॉल होता है ये सीक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस जो आगे फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है ओके okay? सो so, नेक्स्ट सी वॉट इज द फंक्शन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वॉट आर द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप देखोगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे आपका डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीन्स आपका आपने जो भी फूड खाया है स्टमक में हाफ ऑफ द पार्ट प्रोटीन का डाइजेशन हुआ एंड कार्बोहाइड्रेट uh, आगे का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और फाइनली कंप्लीट डाइजेशन आपका इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ठीक है और फाइनली जब डाइजेशन कंप्लीट होता है ना तो एक uh, सेमी फ्लूइड फ्लूड टाइप का सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं काइम ठीक है मीन्स सारे एसिड एक तो स्टमक के सारे एसिड्स हो गए और पैंक जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन फ्लूड जो भी है जो भी पैंक्रिएटिक जूस है बाइल जूस है सारे मिक्स करके फूड के साथ जब मिक्स होकर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो बनता है सो दैट इज काइम सो आफ्टर दैट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का काम तो करता ही है अब एबजॉर्बेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा क्या करेगा ऑलरेडी डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स को एबजॉर्ब करना है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही परफॉर्म करेगा ठीक है सो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन यस न्यूट्रिएंट क्या है दैट uh, न्यूट्रिएंट्स आपको कब मिलता है डाइजेशन होने के बाद आपके फूड पार्टिकल्स पूरे डाइजेस्ट जब हो जाएंगे तब आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो वो अब इंटेस्टाइन के जो इनर विलाई है वो एब्जॉर्ब करेगा दैट इज मतलब है कि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है देन एबजॉर्बशन तो हो गया देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड अब जो सब्सटेंस आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे मीन्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जितना डाइजेस्ट कर सकता था वो कर लिया फाइनली जो वेस्ट पार्ट है दैट विल बी पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है मीन्स अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक्स्ट्रैक्ट जो वेस्ट पार्ट है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ठीक है सो दैट रिमेनिंग विल मूव ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है तो लार्ज इंटेस्टाइन में लेट्स सी कि और आगे क्या फंक्शन होते हैं सो यू नो लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है so, you know, large intestine, ऐसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन नेम इज देयर एंड लार्ज लेकिन दिस इज मोर वाइडर ठीक है लेंथ में अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है लेकिन ब्रॉड की बात करें तो इट इज लिटिल बिट मोर वाइडर ठीक है इसके जो ट्यूब्स होते हैं ज्यादा वाइड होते हैं मीन्स ज्यादा चौड़े होते हैं सो दैट द फूड के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है नॉर्मली देखो क्या होता है सेल्यूलोर्स सेल्यूलोर्स क्या होता है प्लांट्स प्रोडक्ट में होते हैं सो जनरली क्या होता है ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोर्स डाइजेस्ट नहीं होता है और वो जस्ट पास ऑन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से और आपका बॉडी मीन्स डाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है बट जैसे नॉर्मली अगर हार्बीवोर्स को देखोगे काओ बफेलो ग्रेजिंग एनिमल्स तो जनरली वो लोग तो प्लांट्स खाते हो प्लांट्स में तो पूरा प्रोडक्ट्स जो उन्हें सब्सटेंस मिलता है जो सेल्युलस का बना होता है सो so, उनके बॉडी में डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोर्स होता है बट हमारे बॉडी में नहीं होते डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोर्स तो फाइनली वो वेस्ट बन के लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन उनमें से जितने भी और भी फदर वाटर या सॉल्ट जो भी एब्सॉर्ब करना वो करेगा और फाइनली इट विल एक्सपेल आउट ठीक है जो वेस्ट है उन्हें बाहर की तरफ सो लेट्स सी क्या और ये डिटेल में देखते हैं सो so, Wide तो है, लेकिन इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है इट इज अबाउट अगर आप मेजर करोगे इट इज वन टू फाइव मीटर वन पॉइंट फाइव मीटर इन लेंथ ठीक है डेढ़ मीटर के करीब होता है लेंथ में देन अगर आप डिटेल में देखो तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ठीक है सो फर्स्ट पार्ट यू कैन सी जहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका कनेक्शन है दैट मीन्स यहां पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन थे तो इसका कनेक्शन जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रहा है मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन हो रहा है तो वो कौन से पार्ट है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट दैट इज ई स्मॉल इंटेस्टाइन के ईलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम ठीक है सो यू कैन सी दिस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम दे गेट ज्वाइन टूगेदर और फाइनली ये देख रहे हो असेंडिंग कोलोन फर्स्ट वन सीकम सेकेंड वन कोलोन थर्ड वन रेक्टम ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है ये बहुत लॉन्ग uh, पार्ट को नहीं बोलते हो सीकम जो है वो शॉर्ट पार्ट है ठीक है यहां पे आपका इलियम कनेक्ट होता है लार्ज इंटरस्टाइल से ठीक है उसके बाद देखना कि यहां पे कोलोन असेंडिंग कोलोन सिंस इट इज गोइंग फॉरवर्ड वो आगे की तरफ जा रहा है तो इसका नाम है असेंडिंग एंड दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज डिसेंडिंग बट आप सिर्फ एक कोलोन ही जान के रखो तब भी सफिशियंट है सो so, वट इज सीकम ये सीकम क्या है ठीक है इट इज अ ब्लाइंड पाउच मीन्स इसको क्या बोला जाता है ब्लाइंड पाउच एंड जंक्शन मीन्स पॉइंट है जहां पे आपका स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिक्स हो रहा है फिर तो उसके बाद आना कोलोन दिस वन ठीक है असेंडिंग ट्रांसफर्स डिसेंडिंग बट सिंपली आप बोल सकते हो ओनली कोलोन सो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एज यू कैन सी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हो इसमें ज्यादा से ज्यादा तो ये कोलोन ही है ठीक है मोर मोर देन हाफ पार्ट ये कोलोन को कवर कर रहा है सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है अब लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट आई टोल्ड यू कि यहां पे क्या होता है ऑफ वाटर आपके फूड पार्टिकल्स जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो न्यूट्रिएंट्स बन के अब ब्लड में चले जाएंगे एब्जॉर्ब्शन के थ्रू ठीक है बट जो वेस्ट पार्ट है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आया है ठीक है तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो कोलोन पार्ट है दे विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर ये कोलोन क्या करेगा ये सब पार्ट में एब्जॉर्ब्शन ऑफ वाटर होगा ठीक है सो एब्जॉर्ब्शन ऑफ द वॉटर टेक प्लेस इन द कोलोन ठीक है सो नेक्स्ट पार्ट लेट्स आगे uh, क्या होगा तो रेक्टम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है सो फाइनली देयर वॉट हैपन एज यू कैन सी इन द डायग्राम ठीक है ये पार्ट आपका कोलोन था ये लास्ट पार्ट जो एंड पार्ट आपका है ये रेक्टम है ठीक है एज यू कैन सी ये रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है अब फाइनली आफ्टर रेक्टम द अनडाइजेस्टेड फूड जो कि सेमी सॉलिड वेस्ट है फीकल मैटर में बदल गया है ठीक है फाइनली इट विल बी रिमूव आउट थ्रू एनस नाउ अगेन कम बैक टू दिस रेक्टम इज अ लास्ट पार्ट ज इंटस्टाइन इट ओपन अब वो रेक्टम कहा ओपन होगा थ्रू द एनस दैट रेक्टम ओपन टू दउट साइड ऑफ द बॉडी थ्रू एनस दीन्स हमने फाइनली देखा कि कैसे आप फूड माउथ में लेते हो माउथ से फूड कहाँ जाता है बकल कैविटी में जाता है ठीक है बकल कैविटी एंड फ्रॉम बकल कैविटी थ्रू फेरेंगस ठीक है फैरेंग में गया थ्रू क्या होगा गो टू ईसोसो कहा गया स्टमक में फूड लेटर्स राइट इन द शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एस आई स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद आपका कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में एंड फाइनली आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस ओके सो दिस वॉज द पाथ वे कि आपका फूड हाउ डज इट ट्रेवल इन योर बॉडी एंड इस पूरे पार्ट जस्ट यू कैन सी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ही माउथ है माउथ से बकल कैविटी है बकल कैविटी से फेरिंग सब ट्यूब के थ्रू है सो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा पाथवे जो है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का है ठीक है सो दिस होल पाथवे इज ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल ठीक है सो यू आर एलिमेंट्री कनाल ओपन इन योर माउथ एंड एंड एट एन एस सो प्लीज ये चीज माइंड में रखोगे लास्टली सी द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटस्टाइन ऑलरेडी जस्ट नाउ हमने देखा बट सेपरेटली वी विल डील सो लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट डाइजेस्ट डाइजेशन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया है एब्जॉर्ब्शन का, का काम ऑल्सो नो लार्ज इंटस्टाइन नहीं करेगा ऑलरेडी स्मॉल इंटस्टाइन ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब्शन दोनों कर दिया है बट आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ सिक्रिशियंस होते हैं जिसको बोलते हैं म्यूकस ताकि आपका जो वेस्ट है वो इज़िली दैट कैन पास्ट फॉरवर्ड, ओके सो द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट सो वॉट इज दट इलेक्ट्रोलाइट दीज आर सॉल्ट ठीक है आपके बॉडी में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सो so ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा जस्ट नाउ वी हैव सीन कोलोन जो आपका है दैट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर एंड हियर वॉट हैपन लार्ज इंटेस्टाइन के जो रेक्टम पार्ट में है दे विल स्टोर पीसेस ओके विच इज द वेस्ट ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग एंड दैट इज वेरी पॉइजनस सो इट हैज टू बी रिमूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ओपनिंग दैट इज एनस So, finally, we have came to the end of the part uh, that how the digestion takes place. That uh, from uh, mouth to anus, the whole uh, travel or the pura function hai aapke stomach mein, intestine mein, We have covered up this in this uh, fourth lecture. So next we will cover, uh, move forward and see the steps of the digestion so in the next lecture. That is fifth. So thank you for watching.